सभी को राधा स्वामी सिटी मैम में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि यहाँ दिखाए जा रहे वीडियो के अंश RSSB की यूट्यूब चैनल से लिए गए हैं। अगर और ज्यादा या विस्तार से देखना चाहते हैं तो RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। तो आइए देखते हैं सवाल जवाब के कुछ महत्वपूर्ण अंश। भाभी मेरा क्वेश्चन है भी सत्संगी लई तुसी मतलब परमार्थ लई अपने सेवा ते नामदान बख्शे है ते स्वार्थ लई कोई नौकरी पेशा करदा कोई बिजनेस करदा है दोनों लई ईमानदारी बहुत जरूरी है। ते भाभी ये हो सकता जिवें आपां मतलब ईमानदारी परमार्थ लई तां वरत रहे हैं बहुत बट अपना जिहड़ा जिथों रोजी रोटी चलती है उस जगह ते आपां ईमानदारी नहीं वरतदे फिर क्या असीं अपना स्वार्थ सवार सकते हैं उस परमार्थ उस बेटा किवें फिर भजन सिमरन किवें बनूगा बेटा। देखो हजूर क्या करते मन काबू में है तो इस तो बेहतर दोस्त नहीं हो सकता मन बेकाबू है तो इस तो वड्डा दुश्मन नहीं हो सकता। हुण जो भी करांगे मन के उत्ते दा असर पाऊगा जी तो जे मन ही दागी हो गया मन के उत्ते इहो जे प्रभाव पै गए तो वह मन फिर लगेगा भी नहीं बेटा फिर तो जो जे प्रभाव पाए उन्होंने मन ने उस तरफ ही खिंचना आपां नूं मन साफ सुथरा होगा फिर ही तुसी अखां दे पिछे टकाओगे। बाबा जी भजन सिमरन दी दया करियो ते बच्चियां दे दया पर हथ रखियो। बाबा जी दूजा सवाल बाबा जी ये आ भी पिता जी जिहड़े हैगे उन्होंने नामदान वड्डे महाराज जी को लिया आ ते उन्हां दे तांग बड़ी है दर्शनों की ताड़ी तांग बड़ी है उन्होंने बहुत बहुत बार मैनू आ चुके है भी मैनू बाबा जी के दर्शन करा के लियाओ मैनू बाबा जी तुसी अज ले आना सीगा नाल। बाबा जी 100 साल उम्र हो गई जी उन्हां दी। अच्छा कोई नहीं बेटा उन्हां नूं कहो भजन सिमरन करन याद करन अपने आप मालिक बख्शिश कर। बाबा जी उन्हां नूं नाम दा शब्द भुल गया जी ते तुसी याद करा। हाँ जी तुसी याद करा। ठीक है बाबा जी ठीक जी रसम जी बच्चियां ते दया मेहर करियो जी। अगर आपको ये सवाल जवाब पसंद आए हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और हाँ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।